हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है निलेश। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मंजारे हम में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारे संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा का 239वां दिन है और फिलहाल हम हैं मंडगांव में। मंडगांव में हम रुके हुए हैं, सिद्धार्थ भैया के साथ हम रुके हुए हैं। उन्होंने हमें होस्ट किया और हमें होस्ट किया है स्काई वॉकर एडवेंचर्स, जिनका है जिन्होंने मुझे फ्लाइट दी। तो थैंक यू सबको, सिद्धार्थ भैया को, रैन भैया को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मिलके और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे, बहुत प्यार मिला मेरे को। और फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से कर्नाटका के लिए। गोवा मडगांव से निकल के करीब 60 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के बाद जो है कर्नाटका का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम इतना तो कर ही लेंगे, इतना तो भरोसा है खुद के ऊपर। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। बैग वगैरह पैक कर चुका हूँ, धनो एकदम लोडेड है, रेडी है और हम भी रेडी हैं निकलने के लिए। तो निकलते निकलते एक बार मैं मिलवाता हूँ सबसे। तो फिलहाल हम निकल रहे हैं और निकलने से पहले मैंने सोचा आप लोगों से मिलवा देता हूँ, सिद्धार्थ भैया, रैन भैया, भाभी जी। तो हेलो, हेलो, थैंक यू प्रियंका भाभी जी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर और थैंक यू, आपने हमें होस्ट किया, फ्लाइट दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में अब तक की जर्नी का सबसे बेस्ट मोमेंट था वो। अरे वो जो मतलब एकदम जर्नी बन गई मेरी। थैंक यू सो मच, वेरी वेलकम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। हम मिलेंगे वापस शिवाजी भाई के साथ, बिल्कुल मुंबई में। मैंने बताया सर को भी कल कि मैं जितनी बार बीच पे गया हूँ एक बार छोड़ के, बाकी जितनी बार भी गया हूँ तो सिद्धार्थ भैया के साथ गया हूँ। थैंक यू फिर से एक बार, और उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया रहे, फिर कभी मिलना हो। बाय सर, बाय भैया, बाय भाभी जी। फिलहाल मैं आया था सर से मिलने। हेलो सर, और मेरी मुलाकात हुई थी, हमारी मुलाकात पहले हुई थी दार्जिलिंग में, जब आप दार्जिलिंग जा रहे थे और मैं दार्जिलिंग से नीचे आ रहा था खरसोंग में, तो हम कनेक्टेड थे। और मैं जब मुंबई आया था तभी सर ने मैसेज किया था गोवा आना, तो आना मेरे पास। तो अभी मैं जब निकल रहा था गोवा से तो मैंने सोचा आगे मिलता हूँ सर से, एंड बहुत बढ़िया लगा मिल के, बहुत ज़बरदस्त लगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सर से मिलने आया तो मैंने देखा गोवा बहुत अलग है, अंदर से गोवा कुछ अलग ही है, बाहर से उतना अच्छा दिखता नहीं है, बट अंदर आके देखा मैंने बहुत पुराने पुराने मकान यहाँ पे, 150 साल 200 साल पुराने मकान थे, अलग सी वाइब्स थे यहाँ के लिए। थैंक यू सर, आपने बुलाया, इसकी वजह से सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई। एंड अभी मैं हूँ सर के गैराज में। तो हेलो, अच्छा लगा आप लोगों से मिल के। इवन सर ने तो जब मुझे देखा तो ऑफर किया कि आप एक काम करो, 2 मिनटों को जूस लाता हूँ मैं, जूस पी के जाओ, तब तक आप निकल गए। तो मैंने कहा नहीं, सर से ही मिलने आया हूँ मैं, थैंक यू। और अभी निकलता हूँ यहाँ से, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तो अभी मैं रुक गया था, यहाँ पीछे हॉली क्रॉस चर्च है और यहाँ पे रुका हूँ मैं, गोवा के अंदर वाली साइड में, मडगांव के अंदर साइड में। और पीछे की साइड गया था मैं सर के घर पे, यहाँ पे मुझे एक घर दिख रहा है और यहाँ के मैक्सिमम घर ऐसे ही हैं। ये घर देखिए, ये घर कम से कम 150 साल पुराना होगा या 200 साल पुराना होगा। और यहाँ के सारे घर, जितने भी घर देखे मैंने पीछे, लगभग सबकी एक एज कह सकते हैं इतनी है, 150 साल 200 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। कर्नाटका बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर पहले हूँ और हालत ख़राब है,
जंगलों के बीच से आगे जा रहा हूँ और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चढ़ाई है। सिर्फ जंगल होते तो ठीक है, जंगल के साथ साथ चढ़ाई भी है और हालत ख़राब हो रही है धीरे धीरे। अब वो दोनों चीज़ें भी कम थी तो ये जो रास्ता है ये 2-लेन रास्ता है, एक गाड़ी जा सकती है एक गाड़ी आ सकती है, ऐसे खड़ा होना भी ठीक नहीं है, सेफ नहीं है। तो मैं सोचा आप लोगों को बताऊं, दिखाऊं। जंगल बहुत सुंदर है, बहुत घना है और ख़तरा भी बहुत है जानवरों का। तो हमें शाम होने से पहले यहाँ से बाहर भी निकलना है, तो आगे बढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं यहाँ से। फिलहाल हम हैं गोवा कर्नाटका हाईवे पे और यहाँ के सबसे खूबसूरत चीज़ ये है, ये एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर हम हैं और यहाँ पूरा समंदर दिखता है। कितना खूबसूरत लग रहा है, इवन जब सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो चमक रहा है पूरा, और चारों तरफ जंगल हरियाली, मतलब बहुत खूबसूरती है। मैं तो था देख के, मतलब क्या ही बोलूँ, मेरे तो शब्द भी जो है कम पड़ रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही सुंदर। समय भी काफ़ी हो चुका है, शाम होने वाली है, अब बहुत जल्दी सनसेट हो जाएगा, तो हमें भी जगह ढूंढनी है, जगह ढूंढ के अपना कहीं पे भी टेंट वेंट लगा के बस रुकना है। फाइनली दोबारा कर्नाटका पहुँच चुके हैं और इस बार कर्नाटका में ऐसा टच करके नहीं निकलना है, पूरा कर्नाटका कंप्लीट करते हुए निकलना है केरला की तरफ। तो पीछे ये बोर्ड है, दिख गया फाइनली, मैंने कहा एक फ़ोटो ले ही लेते हैं। धन्नो बोर्ड हम, और पीछे हमारे गोवा था, गोवा क्रॉस करके अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो बाय बाय गोवा। अभी हमें कारवार में, जो कि पड़ता है कर्नाटका में, और यहाँ हमें एक जगह मिल गई है, जगह का नाम नहीं बता सकता हूँ, मना किया गया है मुझे, एक सरकारी ऑफिस है वहाँ पे मुझे जगह मिल गई है। अच्छी जगह थी, बढ़िया लोकेशन था, चारों तरफ से कंपाउंड है, यहाँ पे इवन रात में वॉचमैन भी रहते हैं, तो सेफ्टी की गारंटी है, इसलिए मैंने सोचा अच्छी जगह है, टेंट लगा लेता हूँ। टेंट लगा लिया, खाना खा के आया था पहले ही, तो बढ़िया रहा सब कुछ, अच्छी जगह। और अब बस वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तो मुझे याद आया कि यहाँ पहुँचने के बाद मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, मैंने कुछ बताया नहीं, तो बस यही बता रहा हूँ। इस जगह का नाम नहीं बता सकता हूँ एग्जैक्टली कौन सी जगह है, बट हाँ अच्छी जगह है, सेफ जगह है, बढ़िया नींद आएगी। मैंने टेंट भी लगा लिया है, मच्छर एक दो थे वो भी ख़त्म कर दिए टेंट से, और अब बस सोने जा रहा हूँ वीडियो एडिटिंग कंप्लीट करके। तो बस आज दिन भर की जर्नी जैसी भी रही, थकान भरी रही है, लेकिन मज़ा आया ओवरऑल, जो नज़ारे थे वो बहुत सही थे, बहुत सुंदर थे। तो कल यहाँ से हम आगे निकलेंगे और कन्याकुमारी यहाँ से 960 किलोमीटर दूर है, तो कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी कन्याकुमारी पहुँचें और कन्याकुमारी से वापस, मतलब वापस क्या है, और कन्याकुमारी से ऊपर की साइड बढ़ना स्टार्ट करें। तो फिलहाल बस यही है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी है, कौन सा पार्ट अच्छा लगा है, कौन सा पार्ट नहीं अच्छा लगा है। तो बस आज के लिए इतना ही है, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, और हाँ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना कतई ना भूलें, बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होता है मुझे मोटिवेशन मिलती है, अच्छा एक अच्छा एनर्जी बार, प्रोटीन बार का काम करता ही है, तो प्लीज़ करिएगा ज़रूर। तो अभी बाय, फाइनल वाला, मैं जा रहा हूँ सोने।